हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 पीटीपीएसटी स्टार्ट हो गया है और आज तीसरा दिन है पीटीपीएसटी का। और जो अपडेट मिल रहा है सेंटर्स से वो बहुत ही निराशाजनक है। स्थिति क्यों है निराशाजनक? क्योंकि उसके कुछ फैक्टर्स हैं उसके कि क्यों कम कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं, और कम कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं तो इसका फायदा सीधे सीधे जाहिर सी बात है कि जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं उनको मिलेगा कि पीटीपीएसटी कम क्वालिफाई हो रहे हैं। अब एक सेंटर का हमें आज अपडेट मिला, ये है आईटीबीपी बेलगांव कर्नाटका। मात्र 25% ही, यदि एवरेज निकाला जाए तीन दिन का, तो 25% ही कैंडिडेट क्वालिफाई हुआ है। 8 गुना कैंडिडेट बुलाया गया है, यानी 8 गुना कैंडिडेट, एक वैकेंसी 1:8 बुलाया गया है। अब इसका 25% 1:2 कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो 3 दिन में जो बेलगांव सेंटर पे जो हुआ है उसका मैं रीजन बता दूं आपको कि जो कैंडिडेट मैसेज किया उनका ये कहना है कि एक तो टाइमिंग कि जो रनिंग का टाइमिंग है, जैसे हमने देखा सीआरपीएफ के सेंटर पे हमने देखा कि 4:30 बजे एंट्री हो गई। पहले दिन देखा सीआरपीएफ अजमेर सेंटर पे 4:30 बजे एंट्री हो गई, और 4:30 बजे एंट्री होने के बाद कैंडिडेट्स को 1 घंटा लगभग उनका एंट्री चला, 1 घंटे में उनका अटेंडेंस हुआ और उसके बाद रनिंग शुरू हो गया वहां। और आप लोगों का प्रैक्टिस भी क्या होता है कि मॉर्निंग का ही आपका प्रैक्टिस रहता है या आपका प्रैक्टिस जो है वो इवनिंग का है, यानी कि मौसम आपके अनुकूल हो ये आपकी प्रैक्टिस है। अब यहां पर क्या हो रहा है, एक तो टाइमिंग की कुछ कैंडिडेट्स ने कहा कि हमें दोपहर में 1 बजे दौड़ा दिया। अब वो तो कभी भी दौड़ा सकते हैं, आपको लड़ाई लगेगी तो ये थोड़ी है कि टाइम देख के लड़ाई लगेगी। तो ये तो बात हम आपको बार बार कह रहे थे, जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उससे पहले से कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइमिंग्स में आप लोग प्रैक्टिस करके जाइए। दूसरा ट्रैक, उनका ये कहना है कि 1 गो ट्रैक है और एक जगह छोड़ा जा रहा है, वहां से पूरा चढ़ाई है। अब वो इधर से भी छोड़ सकते हैं लेकिन वो उनकी मर्जी है, वो फोर्स वाले जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। ना ही आप ये कह सकते कि हमें तो राउंड ट्रैक पे दौड़ाओ, आपकी क्षमता है तो आप कहीं भी दौड़ सकते हैं। और कैसा ट्रैक चुनना है ये पर्टिकुलर फोर्स का विवेकाधिकार है, इसको भी आप किसी भी तरीके से आप चुनौती नहीं दे सकते। कि हमें कम समय मिला ये भी कोई प्रश्न नहीं है, समय कम मिला ये कोई आपकी सुनवाई कहीं नहीं होगी। कुछ हमारे साथी जिनको हाइट 169.9 करके आउट कर दिया, तो 169.9 करके बाहर कर दिया, तो आपको अपील करने का प्रावधान है, आप सेम डे अपील कर सकते हैं। अपील करके जो पीओ हैं बोर्ड के प्रेजिडिंग ऑफिसर वो खुद हाइट नापते हैं, और यदि 170 हो जाता है तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाता है, और फिर से 169 होता है या 169.8 करके भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ये भी अब पीओ जिसको पीओ बनाया गया है वो देखिए फोर्स के जो बेहतरीन अफसर हैं उनको भर्ती बोर्ड में भेजा जाता है। तो इसको क्या आप पिछली भर्ती में कहा कि मेरा 170.1 का मेरे पास में रिकॉर्ड है, यदि आपके पास 170.1 का रिकॉर्ड है लिखा हुआ है आपके पास में तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज कहाँ होगा, पहले आप एक रिप्रेजेंटेशन लगा सकते हैं, सीआरपीएफ को एक कॉपी देना होगा, जिस पर्टिकुलर फोर्स में आपका मेडिकल हुआ उसको एक कॉपी देना होगा, जिस सेंटर पर आपका मेडिकल हुआ उस सॉरी फिजिकल हुआ उसका जो प्रेजिडिंग ऑफिसर है उनको एक कॉपी देना होगा। आप चाहें तो एक कॉपी होम मिनिस्ट्री को भी दे सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कैंडिडेट का एक बार 170.1 हाइट हुआ और 1 साल बाद 2 साल बाद 169.8 होता है, ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप आश्वस्त हैं कि मेरा 170 है, आज भी हमारे पास में कैंडिडेट आए थे, एक्चुअली 2 आए थे आज जो कि एसएससी के कैंडिडेट हैं, लेकिन एक का तो 169 होता है, खूब नाप लिया हमने, बहुत अच्छे से नाप लिया, और दूसरे का 168 ही होता है। दोनों का बहुत अच्छा स्कोर है लेकिन कोई फायदा नहीं। अब हमारे साथ बात करके उन्होंने यही डिसीजन किया कि जब हाइट नहीं है तो दौड़ ही क्यों करें, बात भी सही है, डिस्क्वालीफाई होना तो तय है।
तो देखिए हाइट में, चेस्ट में, उसमें आप अपील कर सकते हैं। कैसे अपील करना है, बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है। प्रेजेंटिंग ऑफिसर के नाम से एप्लीकेशन लिखना है कि मैं हाइट जो मेरा मापा गया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, मेरा हाइट दोबारा से नापा जाए, दोबारा नापने का श्रम करें। या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने बताया हुआ है, वीडियो बनाए हुए हैं, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दे देते हैं। लेकिन जो रनिंग वाला हमारा पॉइंट है, चाहे रनिंग में एक भी कैंडिडेट क्यों ना क्वालिफाई हो, वो तय करेंगे फोर्स के जो अफसरान बैठे हुए हैं। राउंड ट्रैक पर हो रहा है, अब अलग अलग हो रहा है, कहीं सड़क पे हो रहा है तो आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए था, मेटल रोड पे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए था, कहीं कच्चे ट्रैक पर भी हो रहा है। अब कच्चे ट्रैक पे क्या होता है कि जिसको 22 मिनट लगता है उसको कच्चे ट्रैक पे 23 लगता है, ये क्योंकि हर कदम पे वो 2 इंच, 2.5 इंच, 1 इंच पीछे बैक मारता है। तो देखिए हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई हो गए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो डिसक्वालीफाई हो गए हैं। अब यदि आपको ये लगता है कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, हाइट में अपील किया उसके बाद भी मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, तो रिप्रेजेंटेशन लगाने का अधिकार आपका सुरक्षित है। जिन कैंडिडेट का अभी आने वाले समय में उनका PTPST होना है, तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा 2 दिन कम से कम रेस्ट करके जाएं, रात का सफर नहीं करके जाएं। हमने देखा अजमेर सेंटर पे काफी कैंडिडेट रात को ट्रेवल करके आए थे, और रात को ट्रेवल करके आने का एक नुकसान जो है सबसे बड़ा ये होता है कि आपकी नींद पूरी नहीं होती, और वहां पर आप कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिनका वेट का इशू है, और वेट का इशू जो है उसमें आपको आउट नहीं किया जाएगा। वेट में सिर्फ आपको लिख के दिया जा रहा है कि आप ओवरवेट हैं, अंडरवेट हैं, लेकिन जो ओवरवेट हैं वो जैसे ही अभी फिजिकल छोड़ देंगे उनका वेट दोगुनी गति से बढ़ेगा, तो वो मेडिकल में इशू हो जाएगा। अब बात यही आती है, जैसा बेलगावी में हुआ ऐसा दूसरी जगह भी हो रहा है, रात में भी रनिंग हो रही है, अंधेरा होने के बाद लाइट लगा के भी रनिंग हो रहा है। तो वो तो देखिए 400 कैंडिडेट्स को एक साथ बुलाया जा रहा है, देश भर में 105 सेंटर बनाए गए हैं, एक सेंटर पे 400 की क्षमता है, और उस 400 में से कितने एब्सेंट हैं, कितने प्रेजेंट हैं, तो ये काम तो फोर्स का है कि वो कैसे मैनेज करे, उसको रात में दौड़ाए, दिन में दौड़ाए। और हमारी आर्मी की जो रैली भर्ती होती है वो तो 1 बजे ही स्टार्ट हो जाती है, कहीं कहीं 2 बजे हो जाती है, 3 बजे हो जाती है, तो कैसे दौड़ाए इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, कहां दौड़ाए इसको भी चैलेंज नहीं कर सकते। चैलेंज सिर्फ हाइट और चेस्ट में कर सकते हैं, और जो कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हुए हैं इन 2 दिन में, इनको देखिए हताश होने की जरूरत नहीं है, आपको आगे दूसरा मौका मिलेगा। अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, जिन कैंडिडेट्स का भी रनिंग आना है उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि कॉन्फिडेंस बनाए रखें। 26 मिनट आ रहा था वो कैंडिडेट भी क्वालिफाई हो गया, जबकि वो बहुत हताश था कि मैं क्वालिफाई शायद नहीं हो पाऊंगा, लेकिन वो जब सबके साथ में रनिंग करते हैं उसका फायदा हो जाता है। जिनका 20 मिनट, 18 मिनट, 19 मिनट आ रहा है उनको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है कि मैं तो क्वालिफाई कर जाऊंगा, जैसा बेलगावी में हुआ ऐसा बेलगावी में एक ही गांव के 10 कैंडिडेट एक साथ जाते हैं। देखिए ये चैट भी है, ये है अभिनीत तुरकर। अभिनीत तुरकर कहते हैं कि मेरे गांव का 8 बच्चे पास हुए थे, उसमें सिर्फ मैं और मेरा एक दोस्त 2 ही क्वालिफाई हुए हैं। ग्राउंड पे वो भी 23-24 मिनट में आ जाते थे, लेकिन वहां पे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो नहीं हो पा रहा है, जहां सेंटर्स का आपको रिव्यू मिल रहा है कि ट्रैक कैसा है, वैसे ट्रैक पर आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, हाइट वाले ट्रैक पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Medical team, eye specialist, MD physician, end specialist, physiotherapist. हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877443।